नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 49वां जन्मदिन है। देश भर से लोग उनको बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ का जो राजनीति में कद है वो पहले से कहीं बड़ा हो गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब राज्य के बाहर देश की राजनीति में उनकी धाक साफ तौर से दिखाई देती है, सुनाई देती है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर दूसरे राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, हर जगह योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं जाते रहे हैं और बीजेपी उनके बिना अधूरी नजर आती है। आज योगी आदित्यनाथ का क्योंकि जन्मदिन है तो ऐसे में आज उनके कद को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के हिंदू फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। योगी आदित्यनाथ को लाखों लोग बधाई दे रहे हैं, वहीं पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक ने सीएम योगी को बधाई संदेश भेजा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। जब 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति से प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया गया। बता दें, बीजेपी 14 सालों से यूपी की सत्ता से बाहर थी और इसको वापस सत्ता में लाने में योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका रही। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली तो ये अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी किसी हिंदू फायर ब्रांड नेता को ही सत्ता सौंपी जाएगी, और हुआ भी कुछ यूं ही, सत्ता योगी के हाथ लग गई। वैसे योगी आदित्यनाथ की छवि राजनेता से अलग एक महंत की भी है। योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, जो नाथ संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। योगी आदित्यनाथ भले ही 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हों या फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हों, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी छवि इससे भी बड़ी है। यूपी के अलावा जहां जहां चुनाव होते हैं, बीजेपी योगी आदित्यनाथ को पोस्टर बॉय बनाकर चुनावी मैदान में उतारती है। और अगर योगी आदित्यनाथ के कद की बात की जाए तो केंद्र के सबसे ताकतवर पद के लिए भविष्य में उनकी तस्वीर उभरती नजर आ रही है। जानकार ये भी मानते हैं कि बीजेपी को यूपी में जमीनी स्तर पर मजबूत करने में योगी आदित्यनाथ की छवि की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गिनती आज देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में होती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में आज उनका 49वां जन्मदिन है और हर कोई उनको बधाइयां संदेश दे रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो पिछले कुछ सालों में अपनी छवि को गढ़ा है, जो अपने कद को बड़ा किया है, वो अपने आप में खास है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब शुरुआती दौर में 2017 में मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए, उन्होंने यहां पर शपथ ली, तो उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उभरते हुए चेहरे नजर आएंगे। हालांकि उनकी चर्चा भी नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने अपनी छवि, जो कि एक तरफ झुकाव की, हिंदुत्व की तरफ झुकाव की थी, उसको भी बदलना शुरू किया। और इन 4 सालों में कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को बनाने की, गढ़ने की कोशिश की है कि वो सबके साथ में, जो भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसको आगे लेकर वो चले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को गढ़ा है, वो कहीं ना कहीं जो दूसरे राज्य हैं उनके लिए एक नजीर भी बना है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के साथ में ही दूसरों के लिए एक नजीर पेश करते हुए उनके लिए भी एक उदाहरण पेश किया है कि आप इस तरह से अगर काम करेंगे तो फिर ज्यादा बेहतर हो सकता है।
तो 49 साल के अब सीएम योगी आदित्यनाथ हो गए हैं और ऐसे में लगातार उनकी जो छवि है, उनका जो व्यक्तित्व है, जिस तरह से वो काम करते हैं, उनके जो पर्सनालिटी है, उनके कहने का ढंग और जिस तरह से वो मंचों पर जाकर चुनावी भाषणों में अपनी बात को रखते हैं, तो जो जनता है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है उनकी बातों से। और ऐसे में यही वजह है कि पोस्टर बॉय के तौर पर वो जो तमाम राज्यों के चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें वो देखने को मिले हैं। केंद्रीय स्तर पर अगर बात करें तो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो उसमें भी वो अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। और मंचों से जो बात पार्टी की टैगलाइन है या फिर जो पार्टी कहना चाहती है अपने तौर पर, जो आम जनता से बात रखना चाहती है, किस तरह से वो विकास के नारे को लेकर, झंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस बात को सीएम योगी आदित्यनाथ बखूबी कह पाते हैं मंचों पर। यही वजह है कि हर विधानसभा चुनाव में, हर राज्य के विधानसभा चुनाव में वो पोस्टर बॉय के तौर पर नजर आते हैं। वो जो लिस्ट बनती है स्टार प्रचारकों की, उसमें अव्वल नंबर पर रहते हैं। और ऐसे में अगर हम केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करते हैं, तो उसके बाद अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में इतना छवि बढ़ाता हुआ, बनाता हुआ, गढ़ता हुआ नजर आता है, तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ ही नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी तुलना अगर की जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम करते हैं उससे की जाती है। हालांकि वो एक मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का अपना एक काम है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय राजनीति में उनके आने को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जाते रहे हैं। और लेकिन अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, उनकी ये छवि कितनी काम आने वाली है, अब उनका जो रिपोर्ट कार्ड होगा 5 साल का काम का, वो कितने नंबर भारतीय जनता पार्टी को सीएम योगी आदित्यनाथ दिलवा पाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात रहेगी। तो चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हर जगह नजर आते हैं। और एक उभरता हुआ चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, जो कि 2014 से पहले भी, हालांकि वो जिस तरह से 5 बार सांसद चुने गए, तो हमेशा राजनीति को लेकर जिस तरह के उनका रुख रहा है, जो उनकी विचारधारा रही है, लोग पसंद करते रहे हैं और उनको जितवाते रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद में उन्होंने अपनी छवि को और सुधारने की कोशिश की है, उन्होंने और बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण बनने की कोशिश की है, जिससे कि दूसरे जो नेता हैं वो उनसे कुछ सीख सकें, जिस तरह से वो काम करते हैं, काम करने का जो उनका अंदाज है, फैसले लेने का जो अंदाज है, जो विरोधी हैं उन पर तंज कसने का जो अंदाज है, वो कहीं ना कहीं उनको एक अनोखा नेता बनाता है राजनीति में, खासकर भारतीय राजनीति में। तो ऐसे में एक इतने बड़े लोकतंत्र में और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, जो कि हम देखते हैं कि अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जिसको योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने। और अभी तक जो उन्होंने करके दिखाया, हालांकि विरोधी उनको लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं, तमाम तरह के जिक्र करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, उनके काम करने का जो अंदाज है वो निराला है, अनोखा है, और इसी आधार पर विरोधी भी कहीं ना कहीं उनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं और उसी आधार पर उन पर वार पलटवार करने की भी कोशिश करते हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। केसी जैन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी से हमारे बीच हैं, और इसके अलावा पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। केसी जैन जी, आज 49 साल के हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि को गढ़ा है इन 4 सालों में, वो कहीं ना कहीं अपने आप में अनोखा है देखने के लिए। और जो केंद्रीय राजनीति है उसमें क्या वो अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात को मैं जानना चाहूंगा। लेकिन केसी जैन जी, उससे पहले मैं जो है पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आज सर्वप्रथम तो मैं आपके प्राइम टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उनके 49वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वो दीर्घायु रहें, यही हमारी सभी की शुभकामनाएं हैं। और दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा हिमांशु जी, कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी एक हिंदुत्ववादी चेहरा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 5 बार सांसद भी रहे हैं, तो ये उन्होंने उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का की सरकार बनी,
जो 14 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की एक घर एक वापसी हुई विधानसभा में उत्तर प्रदेश में की सत्ता में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदुत्ववादी चेहरे को दृष्टिगत रखते हुए और हिंदुत्व की धारा को आगे बढ़ाते हुए एक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने सफलतापूर्वक 4 साल कंप्लीट किए, चाहे वो किसी क्षेत्र की बात हो, 4 साल उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ने का प्रयास किया। और कोविड 19 ऐसी महामारी के समय तो उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया जिसमें काफ़ी लोग कालकल्पित हुए। उत्तर प्रदेश में 38 से 40 हज़ार केस पाए जा रहे थे, एक्टिव केस बहुत हो गए थे, उसको उन्होंने कम करने का काम किया। और ऑक्सीजन प्लांट से लेकर और तमाम जगहों पे उन्होंने खुद कोरोना नेगेटिव होने के बाद जगह जगह गांव-गांव जा के जिस तरह से एक आदर्श प्रस्तुत किया, वो एक सराहनीय प्रयास है। उसका नतीजा रहा कि आज कोरोना पे हम लोगों ने एक विजय प्राप्त की और आज हमारे यहाँ काफ़ी कम केसेस दिखाए जा रहे हैं, मतलब आज हमारे यहाँ उस पर कंट्रोल पा लिया गया। उत्तर प्रदेश जबकि 24 करोड़ की आबादी वाला राज्य है और उसके बावजूद इन्होंने इस तरह से एक आदर्श प्रस्तुत किया जो भारतीय जनमानस के लिए और जो एक अनुकरणीय बना। इसके अलावा अगर आप देखें जिस तरह से गुंडे मवाली सक्रिय रहते थे और दंगा फसाद करते थे, तो उन्होंने तत्काल एक आदर्श सीए का 2019 दिसंबर की बात है जब सीए का विरोध हो रहा था, तो लोगों ने लखनऊ में तमाम पुलिस चौकियां फूंक दी और तमाम मीडिया के लोगों को जलाने का प्रयास किया, 4-4 ओवी वैन फूंक दी गई और कई न्यूज चैनल के लोग उसमें जलने से बचे नहीं, वो कालकल्पित हो गए होते। उन्होंने तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए अध्यादेश जारी किया और ये कहा कि जो व्यक्ति दंगा फसाद करेगा, सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति, उसका नुकसान करेगा, उसकी भरपाई उससे स्वयं उसकी संपत्ति से वसूल कर की जाएगी। तो ये एक भारतीय जनमानस ने उसको बहुत सराहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी बहुत सराहा और कर्नाटक में जब दंगे फसाद हुए तो वहां के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि जो है येदियुरप्पा जो वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि जो है ये योगी आदित्यनाथ के मॉडल को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी उसपे कानून पहले से था, इम्प्लीमेंटेशन कम होता था, ये बात सच है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक अध्यादेश लागू करके उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया। इस पे भी आते हैं। केसी जैन जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 49वां जन्मदिन है, आपकी पार्टी से है, किस तरह से देखती है भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ को और उनकी छवि को जो 4 साल में उन्होंने गढ़ी है, इससे पहले भी हालांकि जीतते हुए आए हैं, 5 बार सांसद रहे हैं। केसी जैन जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? ठीक है, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभिषेक राज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी, आपके पास आऊं उससे पहले विवेक जी, विपक्ष किस तरह से देखता है सीएम योगी आदित्यनाथ को, एक नेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए निवास, आज एक तो आपने इस विषय पे चर्चा रखी है जो मुझे लगता है कि आज एक नैतिक आधार पे, हालांकि उनका जन्मदिन है, तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ पीठ के महंत हिंदू धर्म के प्रचारक नाथ संप्रदाय द्वारा दीक्षित पूज्य आदरणीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अपने और अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि माँ काली इनको सद्मार्ग शुद्ध विचारों के साथ मानव कल्याण में भूमिका निर्वहन हेतु प्रेरित करे। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखिए, मैं एक चीज और कहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्यशाली दिन कहा जाए या सबसे दुखद, ये अब आप मंच पे बैठे हैं, आप लोग स्वयं निर्धारित करिए। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ बर्थडे जो है वो ट्रेंड कर रहा है और दूसरी तरफ ट्रेंड कर रहा है उससे भी अधिक यूपी बेरोजगार दिवस। तो मुझे लगता है कि मतलब एक व्यक्तित्व के हिसाब से मैं इनको परिभाषित करूं, उससे बढ़िया है कि लोगों की जनभावना का ही आदर कर लीजिए। नहीं, राजनीति में उनका योगदान, जो अभी तक उन्होंने काम किए हैं, उसके आधार पर आकलन मैं जानना चाह रहा हूं कि उनका कैसा रहा है। बर्थडे है, अच्छी बात है, जन्मदिन की शुभकामनाएं भी है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से काम किया गया, आकलन उसका करने बैठे हैं आज हम। देखिए, उन्होंने जो कार्य किए वो पूरे प्रदेश के जनता के सामने है। अगर आप काम के आकलन की बात करेंगे तो एक विपक्ष के होने के नाते मैं जो भी आकलन करूंगा उसको विरोधाभास और नकारात्मक की दृष्टि से ही देखा जाएगा, परंतु फिर भी मैं आपको कहूंगा, अगर आपने ये विषय रखा है तो मैं जरूर कहूंगा कि मैं मान सकता हूं कि कोरोना पे सबसे ज्यादा देखिए आलोचना हो रही है जो कोविड को लेकर के, मैं मान सकता हूं जिम्मेदारी से किसी की सरकार होती, पहली लहर जब आई तो मैं मान सकता हूं कि प्रबंधन किसी भी सरकार का, चाहे भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, किसी की सरकार होती, प्रबंधन में दिक्कतें होती, समस्या होती, क्योंकि एक महामारी थी, इसके जिस प्रकार का स्वरूप था, इसका जिस प्रकार का प्रारूप था, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो पहली महामारी में जो भी आपने अच्छा किया, बुरा किया प्रबंधन, उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब दूसरी लहर की चेतावनी आपको संस्थानों ने,
विशेषज्ञों ने दी, आपने उनको नजरअंदाज किया, जिसका कारण कि इस प्रदेश की जनता ने वो त्राही माम देखा, वो हाहाकार मचा, जिसका जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई। लोगों ने अपने घरों के सदस्यों को जिस प्रकार से खो दिया, और उसमें सबसे ज्यादा इस सरकार के खिलाफ जो विषय जा रहा है वो यही है कि वो आपसे मदद मांगते रहे, आप उनके ऊपर एफआईआर की धमकी देते रहे, एफआईआर करवाते रहे। लेकिन इस बात से क्या इनकार करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपना काम बखूबी करते रहे सरकार में? मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं और सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे ये पूछता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही इस प्रदेश में काम करते हुए नजर आते हैं क्या? तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र हो रहा है, एक नेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया कि नहीं निभाया, और लोगों को साथ में लेकर वो अगर नेता नहीं चल पाए तो ये भी एक कमी है एक तरह से। देखिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी मठ की परंपरा से आते हैं, जहां पे लोग जाते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चले आते हैं। वहां पे वो बहुत ज्यादा स्पष्टवादिता रूप से अपनी बातों को रख भी नहीं पाते, क्योंकि मठ की एक परंपरा होती है, केवल और केवल वहां पे सिंहासन को प्राथमिकता दी जाती है। उसी मानसिकता को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से 4 साल कार्य कर रहे थे, ये कार्यप्रणाली ही उसके विपरीत चली गई, क्योंकि ये समझ न पाए कि मठ और राज्य में अंतर होता है। सिंहासन पे बैठ करके तपस्या नहीं होती है। मैं हमेशा इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे थे तो उनके काम करने पे हमें कोई शंका नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात कि वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाए किसी भी चीज की प्रॉपर तरीके से। अधिकारी उनकी सुनते नहीं रहे, उन्हीं के विधायक उनके खिलाफ सदन में बैठ गए धरने पे। अब जो उत्तर प्रदेश के राजनीति में हाहाकार मचा हुआ है, उसमें दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई की कुर्सी की फाड़ की लड़ाई लेकर के शर्मा जी का क्या भूमिका है सबको पता है, दबे मुंह से ही सही, लेकिन ये सारी बातें पटल पे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि सामाजिक रूप से राजनीतिक मानसिकता से अपरिपक्वता अभी भी योगी जी के अंदर काफी हद तक है। केवल योगी हो जाने से एक हिंदू धर्म के नाम पे आपने जो प्रचार करके अपने आप को स्थापित किया वो अब मान्य नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश 40 साल पीछे चला जा चुका है, उसको पूरी तरह से कवरअप करने में ही कम से कम 4 कार्यकाल लग जाएंगे। और दूसरे उससे भी बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं कि जिस प्रकार बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, जिस प्रकार से युवा रोजगार मांग रहे हैं, इनके निर्देश देने के बाद भी, मैं आपको विपक्ष में होकर के मैं आपको बता रहा हूं कि योगी जी ने कुछ अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, लेकिन आज तक वो नियुक्ति पत्र अटके हुए हैं। तो अधिकारी आपकी नहीं सुनते रहे, आपके ब्यूरोक्रेसी हावी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इनके जो सोशल मीडिया के सलाहकार हैं वो इनको एक अच्छी केवल खबर, इनको सिर्फ ये दिखाते रहे कि आपका सब बढ़िया चल रहा है। जमीनी स्तर पे सबसे पहली बात तो इनके जो सलाहकार हैं उनके अंदर कमी है। इनके सलाहकार जो इनको जितना बताते हैं उतना इनका आकलन है, क्योंकि इन्होंने भूतपूर्व इनका इतिहास देख लीजिए, इन्होंने कोई भी मंत्रालय कभी संभाला नहीं, इनको अनुभव नहीं है किसी भी मंत्रालय को चलाने का, और वही कारण है कि आज सारे मंत्रालयों की भतपिटी हुई है। ये प्रबंधन ठीक है, मैं नहीं कहता कि योगी जी अकेले काम करें, लेकिन आपके पास संस्थाएं थी, आपके पास लोग हैं, आपके पास मैन पावर थी, आप मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर पाए? और लोग आपको कुल मिलाकर मॉनिटरिंग सामने आ रही है जो नहीं कर पाया मुख्यमंत्री, एज अ मुख्यमंत्री खुद काम करना नहीं है, दूसरों से काम करवाना था, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक राज जी, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है अजय सिंह बिष्ट जी को एज अ मुख्यमंत्री, मैं अगर कहूँ एक नेता कहूँ विपक्ष का, आप किस तरह से देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को? अभिषेक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभिषेक जी, आपको मेरी जी, अभिषेक जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि अजय सिंह बिष्ट यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को आप किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है? आप क्योंकि विपक्ष में हैं तो विपक्ष का मतलब ये नहीं है क्रिटिसाइज करना, कुछ अच्छे काम भी किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उनका भी जिक्र आप कर सकते हैं जी। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और ये परंपरा भी है, मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ। मगर देखिए, जिस तरीके से एक सवाल अभी उठा, युवाओं के बारे में बात हुई और तमाम मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा हो रही थी, तो देखिए ये भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि पिछले 4 वर्षों से युवाओं का, बेरोजगारी का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। कोरोना की महामारी तो 2020 में आई, एकदम से आई, आपदा के रूप में आई, पहली वेव आई, किसी के पास समय नहीं था संभलने के लिए। मगर हाँ, जरूर जब सेकेंड वेव कोरोना की आई तो हमारे पास तैयारियां नहीं थी उस तरीके की जो तैयारियां होनी चाहिए थी, प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, जो हमने पिछली बार से सबक लेना चाहिए था वो हमने सबक नहीं लिया, सरकार ने उस मुद्दे पर, उस मोर्चे पर कार्य नहीं किया।
जहाँ तक युवाओं की बात आती है तो आपने देखा होगा किस तरीके से सरकारी भर्तियों का बुरा हाल रहा पिछले 4 वर्षों से, किस तरीके से पेपर लीक हो गए, किस तरीके से पेपर रद्द हो गए। तो 4 साल में कमोवेश यही स्थिति बनी रही और प्रदेश की जो युवा है, प्रदेश की जो जनता है, उनका बुरा हाल हुआ और प्रदेश की जो सरकार है वो मूक दर्शक बनी रही। आपने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तारीफ करनी चाहिए, मगर आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या किया गया। मैंने कहा जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको तो गलत कहा ही जाएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आप विपक्ष में हैं, बिल्कुल आपको हक है पूरा कि कमियां कहां पर है इसको उजागर करिए, लेकिन जो अच्छे काम किए हैं उसका भी जिक्र होना चाहिए। जी नहीं, मैं यही जानना चाहता हूं कि कौन से अच्छे कार्य इन 4 वर्षों में हो गए हैं, मुझे यही आप बताएं। ठीक है, ये बताने के लिए केसी जैन जी हमारे पास है, मैं अभी उनसे चर्चा करूंगा, तो सुनिएगा, आप अपनी बात रख लीजिए पहले। जी केसी जैन साहब बताएंगे, वो मुझे अवगत करें जरूर इस बात से कि पिछले 4 वर्षों में ऐसा अच्छा क्या हुआ है। मगर जिस तरीके से प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी रही, जिस तरीके से वाद विवाद रहे, जिस तरीके से कार्य नहीं हो पाए आम जनता के, वो आपने देखा है। हमारी पार्टी के वो विधायक नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे जो अपनी खुद की सरकार का विरोध कर रहे थे पिछले वर्ष और उससे पहले विधानसभा में जो बैठे हुए थे। इन्हीं के विधायक सोशल मीडिया पे और तमाम न्यूज चैनलों पे आके कहते हैं कि हमारे कहने पे कहीं कार्रवाई नहीं होती, तो वो हमारे लोग नहीं है, वो आपकी ही पार्टी के, आपकी ही सरकार के लोग हैं जिन्होंने आपका विरोध किया है। तो इस तरीके के कई इंस्टेंस सामने आए हैं और देखने को मिले हैं, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे बेटियों की सुरक्षा हो, चाहे युवाओं के रोजगार के मुद्दे हो, चाहे महंगाई की बात हो, तमाम मुद्दों पर सरकार विफल रही है। और विपक्ष होने के नाते हमने कई बार सवाल भी उठाए हैं, इस सरकार में जितना दमन किया गया है विपक्षियों का और मीडिया बंधुओं का, उतना शायद कभी दमन देखा गया, और जिस तरीके से दबाव डाला गया, जेल में उठाकर बंद कर दिया गया जिसने बात कही। इस बार भी कोरोना महामारी के वक्त जब लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, तो सरकार ने उसको काला बाजारी का नाम देकर उन लोगों के ऊपर कठोर मुकदमे लगाकर उनको जेल में सीधे डाल दिया। तो ये तरीका ठीक नहीं था सरकार का। सरकार की प्रिपेयरनेस अगर अच्छी होती, सरकार ने अगर कायदे से कार्य किया होता, तो इस तरीके की नौबत नहीं आती। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ, मैं एकदम निष्पक्ष होकर बोलूंगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्थितियां एकदम ठीक होती हैं, एक भी केस नहीं होते, जरूर होते, मगर जो हालात हैं वो हालात काफी बेहतर होते। जो हमने अप्रैल के महीने में और मई के शुरुआती दौर में लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तांडव मौत का देखा है, ऐसा तांडव कभी भी नहीं देखा गया है। और वो स्थिति बहुत भयावह करने वाली थी, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी रही, दवाओं की कमी रही, वो बहुत ही चिंता का विषय। कोरोना काल में सरकार की कमियां रही, इस बात से इनकार नहीं है। केसी जैन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं अपने नेता को, सीएम योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकाल को किस तरह से आकलन कर पाती है, और सबसे बड़ी बात जो इन 4 सालों में देखने को मिली है, क्या आपके विधायक, आपके जो नेता हैं जिनकी वजह से आपने सरकार बनाई है, हर जगह पर वो फैले हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, क्या वो संतुष्ट हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व से? देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो धन्यवाद कि आपने एक अच्छा विषय रखा है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, तो आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आपने जो सवाल उठाया कि वास्तव में जनता कितनी संतुष्ट है, कार्यकर्ता कितने संतुष्ट हैं, और वो नेता, वो प्रदेश जहां जहां पे जा करके माननीय योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार प्रसार किया, वो वहां के नेता कितने संतुष्ट। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई और उसके बाद में विधायक दल का नेता चुनने की जब बात आई, तो पूरे प्रदेश से आवाज उठी कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा चेहरा इन चुने हुए विधायकों में से कोई। ऐसे में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद में वो जो है एमएलसी का चुनाव, एमएलसी बनने के बाद में इस तरीके से प्रदेश को चला। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4 सालों में आप देखिए, जहां जहां पे भी वो प्रचार करने गए, मध्य प्रदेश रहा हो, बिहार रहा हो, और अभी आप देखिए वेस्ट बंगाल का चुनाव रहा हो, सरकार वहां नहीं बनी अलग बात, लेकिन 2 सीटों से अगर हम 80 सीटों पर पहुंच जाते हैं, कम से कम एक मजबूत विपक्ष वहां पे हम देने में सक्षम है, जो कि अभी तक वहां पे कोई मजबूत विपक्ष नहीं था। 2 से 80 ये हमारे लिए बहुत आदित्यनाथ की वजह से। और दूसरी बात यह है हिमांशु जी कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से बेहाल था, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का और जो सबसे बड़ी अव्यवस्था थी कि अपराधियों का यहाँ पर बोलबाला था, उसको समाप्त करने का जनता के बीच में हमने भरोसा दिलाया और जनता ने हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दी।
केवल एक संप्रदाय विशेष को संतुष्ट करने, जात विशेष को संतुष्ट करने में जो पिछली सरकार लगी रही उसी का परिणाम रहा कि जनता ने उसको सिरे से खारिज कर दिया और 50 सीटें भी नहीं पूरी कर पाए जो कि पिछली पूर्व बहुमत की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आते आते वो सरकारें अल्पसंख्यक ग्रुप को संतुष्ट कर रही थी, आप बहुसंख्यक को कर रहे हो, कर तो आप भी वही काम रहे हो। हिमांशु जी नहीं, हिमांशु जी देखिए, ये प्रदेश और देश सबका है, हम किसी वर्ग विशेष को नहीं संतुष्ट कर रहे, लेकिन हाँ अभी तक जो बहुसंख्यक होने के बाद में भी उत्तर प्रदेश का वो वर्ग जो अपने आप को दबा कुचला और दोयम दर्जे का महसूस करता था और जो लोग ये कहते थे कि पूरे देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, उस विचारधारा से हट करके हम काम जरूर कर रहे हैं। और अगर अभी तक जो दबे कुचले हमारे बहुसंख्यक भाई हैं, अगर उनके लिए भी हम साथ में काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, काम तो हम सबके लिए कर रहे हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न भोजन उपलब्ध हो रहा है पूरे देश में तो क्या उसमें हमारे मुस्लिम भाई नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटलों में जाकर के देखिए, सबसे ज्यादा आयुष्मान योजना का लाभ उठाने वाले हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक भाई हैं। तो हम काम सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई अब दबा कुचला अपने आप को दोयम दर्जे का महसूस नहीं कर रहा। और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, जो 4 साल पहले थी कि कट्टर हिंदुत्व की, वो क्या 4 साल में वो चेंज कर पाए हैं अपनी छवि को, आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? देखिए हिमांशु जी, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि सबका साथ सबका विकास। अगर प्रधानमंत्री जी जो भी योजना लाते हैं, क्या उसका लाभ अल्पसंख्यकों को नहीं है? नहीं, यहाँ पे मुख्यमंत्री का जिक्र हो रहा है, योगी जी का बर्थडे है आज, बर्थडे स्पेशल डिबेट भी है, तो ऐसे में उनकी क्या कमियां रही, कहां पर सुधार का की गुंजाइश है, इन बातों का जिक्र होना बहुत जरूरी है। तो आज केंद्र में नहीं, आज सिर्फ राज्य में रहते हैं। नहीं देखिए हिमांशु जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप देखिए, अगर 36,000 करोड़ रुपए माफ करके जो हमारे किसान थे उनको राहत देने की बात की, उसके बाद में जो लड़कियों के साथ जिस प्रकार से छेड़छाड़ होती थी और उस छेड़छाड़ की घटना की शुरुआत बाद में बदले की भावना से मर्डर तक पहुंचती थी, तो क्राइम का रेट जो कम हुआ है, जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना उसने क्या किया कि जहां पे ये अपराध शुरू होता था उन अपराधों को वहीं पे समाप्त करने की कोशिश। एंटी रोमियो स्क्वाड तो जमीन में धराशाही हो गया सर, आप उस योजना का जिक्र करिए जो सफल रही, उसका मत करिए जो धराशाही हो गई जमीन पर आकर। सुन लीजिए, कोई कोई धराशाही नहीं रही, होता क्या है कि जो बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं उसके बाद में जब घटनाएं होती तब दिखाई देता है, लेकिन क्या है हिमांशु जी, किसी व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति गाली दे देता है तो बहुत छोटी सी घटना मानी जाती है, लेकिन वही घटना बदले की भावना में वो मर्डर तक पहुंच जाती है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, शुरुआत कहाँ से चीजों की होती है और कहाँ तक पहुंचती है, लोग हम लोग न्यायालय में अच्छी तरीके से देखते हैं कि बदले की भावना में व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप और बदले की भावना से कहाँ तक क्राइम पहुंच जाता है। तो इसको जहाँ की तहाँ जड़ को समाप्त आपके दावे एनसीआरबी के रिपोर्ट, सुन लीजिए मेरी बात, एनसीआरबी की रिपोर्ट आपके दावों की पुष्टि क्यों नहीं करती क्राइम को लेकर? क्यों नहीं करती, मैं ये भी बता रहा हूँ हिमांशु जी। देखिए हिमांशु जी, अभी तक क्या था कि आंकड़ों को दबाने का और छुपाने का काम किया जाता, हर एक जगह से पिछली सरकारों में खबर आती थी, अगर उनके जिला अध्यक्ष, उनके मंत्री, उनके विधायक का फोन जब थानों पे जाता था तभी एफआईआर लिखी जाती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी कोई पीड़ित अगर थाने तक पहुंचता है तो उसकी तत्काल एफआईआर लिखी जाती है, उसकी जांच होती है। कितने उदाहरण आपको दे दूं जहां पर पुलिस की लापरवाही नजर आई और पुलिस की लापरवाही की वजह से ही क्राइम बढ़ गया या फिर हो गया, अगर वो पहले सुनवाई हो जाती, जो आपकी पुलिस है, योगी पुलिस कही जाती है, वो अगर सुन लेती तो क्राइम रुक जाता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है प्रदेश के अंदर, तो आपने बहुत ज्यादा कुछ बदल दिया हो ऐसा नजर नहीं आता है। हाँ, लेकिन आपने जो एनकाउंटर्स किए हैं अपराधियों को, या तो आपने जेल में भेजा है या फिर आपने सीधे भगवान के पास भेज दिया है, वो एक आपकी सफलता है, सफलता गिनी जा सकती है? नहीं हिमांशु जी, वो सफलता किसकी है मैं बताऊं आप, क्योंकि ये वो दुर्दांत अपराधी थे जो पिछले 5-10 सालों तक लगातार खुले आम पब्लिक के बीच में थे, जनता के बीच में, और जनता के अंदर इतना भय था कि वो एफआईआर तक अग्नि लिखाने नहीं जाते, क्योंकि जो एफआईआर लिखाता था उसका भरोसा नहीं था कि अगले 24 घंटे बाद वो पृथ्वी पर रहेगा नहीं रहेगा। आप देखिए बिकरू कांड में जो कुछ हुआ, कानपुर के जिसने 8-8, 10-10 लोगों को मार दिया, उसके पक्ष में विपक्ष खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जो 125 से ज्यादा नहीं, मैं आपत्ति करता हूँ,
और उनमें से 50 ऐसे थे जिनके ऊपर ज्यादा का इनाम था। अच्छा ठीक है, लेकिन लेकिन खुशी दुबे अभी संजय सिंह जी ये सवाल पूछ रहे थे कुछ देर पहले, केसी जैन जी संजय जी एक सवाल पूछ रहे थे, संजय सिंह अभी जुड़े थे, वो सवाल ये पूछ रहे थे कि खुशी दुबे को क्यों 10 महीने से बंद करके रखा है, उसके ऊपर कौन से आपराधिक मामले चल रहे हैं जो उसको बंद किया गया है, ये सवाल भी आपसे ही पूछे जाएंगे ना सर। मुख्तार अंसारी जैसे लोग पंजाब से यहाँ आना नहीं चाहते, मेरी आवाज नहीं पहुँच रही आप तक क्या सर, क्योंकि उनके गुर्गों पर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी। केसी जैन जी, केसी जैन जी मेरी आवाज मिल रही है, पहले बताइए प्रदेश छोड़ करके अपराधी, केसी जैन जी मेरी आवाज मिल रही है कि नहीं, वो जेल चले गए। केसी जैन जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए ठीक है, शायद कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम है। पंकज जी देखिए, सवाल इधर से भी है तो सवाल उधर से भी है कि खुशी दुबे को क्यों फिर 10 महीने से बंद करके रखा गया है। संजय सिंह जी सवाल पूछ रहे हैं साफ तौर से, गलत तो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल तो है कि कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के चक्कर में हम क्या कुछ निर्दोष लोगों को क्या सजा दे रहे हैं, जबरदस्ती सजा दे रहे हैं क्या, ये भी सवाल है। और राज्य की जो जनता है, मेन चीज सवाल उस पर है कि वो खुश है कि नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर अगर विराजमान है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, या फिर कल को कोई और हो जाता है, लेकिन सवाल यहाँ जनता का है। आज जन्मदिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो ऐसे में क्या वो अपनी जनता को संतुष्ट कर पाए, और सबसे बड़ी बात क्या वो अपने सरकार के, जिनकी वजह से वो बने हैं मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उन विधायकों को खुश कर पाए हैं इन 4 सालों? देखिए हिमांशु जी, एक बात तय समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और सवाल इस बात का है कि वहाँ संगठन में और मुख्यमंत्री में तालमेल का होना बहुत आवश्यक रहता है। संगठन जो है आम कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना, और तमाम विधायकों को या पदाधिकारी हैं वो जन जन की मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है उनकी निश्चित रूप से, वो मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली निश्चित रूप से एक ईमानदार और तेज तर्रार नेता के रूप में रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में नए आयाम स्थापित किए और नई विकास की धारा स्थापित की, इसको अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता, किसी को भी अपराध करने की हिम्मत नहीं होने दी। तो ये योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व है, 5 बार से वो हिंदुत्व के बल पे ही वो सांसद रहे गोरखपुर से, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया कि कोई भी अपराध पे अगर अपराध करता है तो उसकी उसको जेलों के सलाखों के पीछे होना पड़ेगा, और उसको किसी तरह का, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। आप कुलदीप सेंगर इसका साक्षात प्रमाण है, आप देख सकते हैं उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, और उसके बाद उनके ऊपर तमाम चीजें आई न्यायालय में होने के बाद आज वो आजीवन कारावास की सजा झेल रहे हैं। उनकी पत्नी को टिकट दिया जा रहा था, उसके बाद उस पर भी टिप्पणी हुई, और उसके बाद भी वीटो लगाते हुए उस पर भी खारिज कर दिया गया। आज उनकी पत्नी पंचायत चुनाव में मुकदमे अपनी ही कैबिनेट बैठक में सुलझा लिए गए, अदालत में जाने का जिक्र ही नहीं हुआ। नहीं देखिए, अपनी कैबिनेट में क्या सुलझा लिए गए, आप ये देखिए कि मतलब पुलिस प्रशासन, और जिस तरह से COVID-19 में ही पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई तो वो भी एक सराहनीय रहा। तो ये एक सरकार की मंशा को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत से चीजें इस तरह की आम जनमानस के लिए, उनका पहली बात उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, उन्होंने यूपी की जनता के लिए वहां जाना उचित नहीं समझा कि वहां जाने पर उनके पिता की डेथ हुई, लेकिन उन्होंने कहा वहां जाने पर मैं भावना से ग्रस्त हो जाऊंगा, और क्या नाम है वो वहां नहीं गए। तो वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात, एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ये नजीर पेश की, एक नजीर पेश की, ऐसा मुख्यमंत्री बहुत सदियों में कहीं मिलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है, ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात आप ये नहीं, दूसरी बात जो अभी आजकल बीएल संतोष जी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, और उत्तर प्रदेश में आके खंगाल रहे हैं तमाम संगठन में, तो क्या नैतिक जिम्मेदारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम है, उनकी नहीं बनती है क्या? सारा ये तो महत्वपूर्ण सवाल है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही काम कर रहे हैं या फिर पूरी सरकार काम कर रही है। सारा सारी चीजें क्या योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर ही है जो उनकी सरकार में सहयोगी है? अब ब्राह्मण चेहरे की बात करिए, ब्राह्मण चेहरे में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी है, ब्राह्मण का एक प्रखर चेहरा कहे जाते हैं, क्या उनसे ब्राह्मण समुदाय संतुष्ट है? सत्ता के गलियारों में तमाम ऐसी बातें चलते रहती हैं, और भाजपा के सूत्र और भाजपा के तमाम ऐसे जो 20-20 सालों से क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणत्व की राजनीति कर रहे हैं वो संतुष्ट नहीं है, और उनसे लोग असंतुष्ट हैं, इसीलिए आज उनको हटाने जाने की बात कर रही हूँ। अच्छा, सीएम और डिप्टी सीएम में समन्वय नहीं है क्या? नहीं, समन्वय पूरा है, लेकिन जिस तरह से वो जनता को, जनमानस कोई भी उनके घर पे जाता है या कोई भी मतलब कोई भी चीजों को लेके जाता है तो उसका वो निस्तारण नहीं करते, जिससे उनकी छवि बहुत खराब हुई है। उसका नतीजा है कि सरकार के कामकाज पे और सरकार की चीजों पे आता है। आज ब्रजेश पाठक जी का नाम
जो कैबिनेट मंत्री है उनका नाम डिप्टी सीएम के लिए चल रहा है इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द दिनेश शर्मा, तो आज जो डिप्टी सीएम तो ये आज क्यों चल रहा है? तो ये आज कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों का कार्य न करने के कारण, जबकि दिनेश शर्मा लखनऊ से मेयर रहे, सब कुछ रहे, तो ऐसी नौबत क्यों आई? विधायक इस बात का जिक्र करते हैं कि और या तो काम करने नहीं दिया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही, तो ये सवाल कहां से उत्पन्न हो? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए, आप चुन के विधायक आए हैं तो आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र का समुचित विकास करें, और अगर कोई बात की आपको दिक्कत आती है तो आप मुख्यमंत्री के समक्ष उस बात को रखें, और संकट में और जो संगठन प्रभारी है, कुछ दिन पहले सीतापुर के विधायक ने इसी बात का जिक्र किया कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, आज वर्तमान ले लीजिए आप, स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आज क्या उनकी जात के लोग, उनके बिरादरी के लोग ही उनसे संतुष्ट नहीं है? इसीलिए सत्ता के गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, जो मिर्जापुर से सांसद है। तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? अगर आपने सही ढंग से सब चीजें की होती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। आज बीएल संतोष यहां पर आके इस तरह की समीक्षात्मक बैठक नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। तो कहीं ना कहीं सरकार, देखिए कहीं खाली सरकार या संगठन सही ढंग से काम नहीं करेगा तो जो मुखिया होगा उसके नेतृत्व पे सवाल तो खड़े किए जाएंगे। मुखिया, देखिए मुखिया के तरफ से कोई कमी नहीं, मुखिया एक एक दिन में पूरे कोविड पॉजिटिव रहा, कोविड पॉजिटिव का नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव होने पर मुखिया का काम करने से ज्यादा मॉनिटरिंग करना होता है। उसने मॉनिटरिंग किया नहीं, उसने मॉनिटरिंग किया, उसने निर्देश दिया। अनुभव की कमी है क्या? उसने नहीं, अनुभव की कोई कमी नहीं। अनुभव की अगर आप बात करेंगे तो क्या अखिलेश यादव को अनुभव था क्या जब वो मुख्यमंत्री बने थे? ये बात नहीं, आज उसकी बात करिए तो अखिलेश जी की बात, अखिलेश जी भी सांसद थे और सांसद के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव जी की सरकार में कोई कम से कम विधायक नहीं कहता था कि हमारी सुनी नहीं जा रही है। अखिलेश जी भी एक पढ़े लिखे थे, उन्होंने 5 साल सत्ता चलाई, पढ़े तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी ने भी ऐसे ही चलाया, वो भी चला रहे हैं। तो ये कहिए कि अनुभव की कमी है इस बात की नहीं, अनुभव इस चीज का कि काम खुद से ज्यादा दूसरों से करवाना है। 5 बार सांसद रहना, जो ब्यूरोक्रेसी है इससे काम कैसे निकलवाना है, सवाल इस चीज का है। ये आपकी कार्यशैली और आपकी क्षमता पे निर्भर करता है, और योगी आदित्यनाथ जी कड़े अनुशासक है, इसीलिए वो अधिकारियों में एक डर रहता है, तो इसीलिए वो ये चीजें वो उनके यहाँ क्षम्य अपराध रहता है। आज आप देखिए तमाम चीजों में अधिकारियों में एक डर व्याप्त है, तो क्यों ब्यूरोक्रेसी मनमानी नहीं कर रही है इस प्रदेश के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं, ब्यूरोक्रेसी मनमानी नहीं कर रही, और आप नहीं मानते इस चीज को। और इस तरह की चीजें होती तो तुरंत वो हटा भी दिए जाते हैं, ये निश्चित मान लीजिए आप, ऐसा नहीं, हटा भी दिए जाते हैं, उनको पनिशमेंट मिलता है। ट्रांसफर इधर से उधर करते रहेंगे तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? हर 2 महीने में तो आप ट्रांसफर करते रहते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अगर कायदे से कार्य किया होता तो आज बीएल संतोष को आके तमाम जो असंतुष्ट विधायक हो, चाहे असंतुष्ट और कार्यकर्ता हो, उनको मनाने की नौबत नहीं आती। ये अब तय मान के चलिए, शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश के संगठन की नैतिक जिम्मेदारी थी, उसने बखूबी उसको नहीं मनाया, मतलब उसने नहीं उसको परिलक्षित किया। अगर परिलक्षित किया होता तो आज इस तरह नहीं, आज अगर परिलक्षित किया होता तो आज इस तरह की स्थिति नहीं आती। संगठन जो विधायक चुनके आए हैं उनका नहीं, सरकार के चलने में संगठन और मुख्यमंत्री दोनों का योगदान रहता है। जो विधायक चुनके आए हैं उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी किसके लिए है? जनता के लिए। और उसके बाद अगर उन जनता की कोई कमी है या फिर कोई दिक्कत है जनता को, तो सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि मुखिया हैं तो उनको सुनना पड़ेगी सारी चीज। बिल्कुल सुनना पड़ेगा, तो ये नहीं सुना गया, इसीलिए तो असंतुष्ट है भाई। तो उसमें जो संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो विधायक से इंटरेक्शन करे। संगठन के लिए नहीं, संगठन क्या सरकार का जिक्र हो रहा है? नहीं, वो अब सरकार का है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ अगर भाई विधायक अगर स्वतंत्र विधायक की जगह पर सीएम योगी आदित्यनाथ होते तो हम जिक्र करते, आगे जाके विधायक बनता है, मंत्री बनता है, तो संगठन मुख्य सर्वोपरि है, तो संगठन ऐसा नहीं। लेकिन संगठन की कहीं ना कहीं से जवाबदेही नहीं थी, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की स्थिति हुई। योगी आदित्यनाथ जी ने तो जिस तरह से कंट्रोल किया वो बहुत ही अत्यंत सराहनीय है, ये आपने उसको किसी भी योगी आदित्यनाथ को ही कंट्रोल करना था, और उनको पूरा जो ब्यूरोक्रेसी थी वो उनके हाथ में थी, पूरा सिस्टम उनके हाथ में था, ऊपर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सकता। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, उसके ऊपर अपनी कैबिनेट बैठक में अपने ऊपर से केसेस हटा लिए, क्या इस बात से इनकार कर देंगे? और आप ये देखिए, हम अदालत जाने को, हम अदालत नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठ के सारे फैसले लिख देंगे। अदालतें क्यों हैं? बंद कर दीजिए फिर अदालतों को। एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश की, हिमांशु जी एक चीज देखिए, जय प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के
स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या उन्होंने बखूबी उस तरह से कार्य किया? आप तो मीडिया में तमाम डिबेट करते रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी थी कि उनसे काम करवाते, नहीं तो उन्होंने निर्देश दिया सब किया, लेकिन योगी सुन नहीं रहा उनकी कोई, सुन सब रहे, लेकिन ऐसा नेता ऐसा नेतृत्व किस काम का जिसकी कोई सुने ना, नहीं नहीं बिल्कुल उनकी पूरी कमांड रही और उन्होंने कहां सुना, उन्होंने जिस तरह से नहीं सुना, एक एक जिले में जाकर एक एक जिले विधायक सुन रहे, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल का दौरा किया और उत्तर प्रदेश के तमाम गांव गांव में जाके जाके जनमानस की समस्याएं सुनी और उनके उसके लिए निर्देशित किया, उसके लिए निर्देशित किया, जो ऐसा नहीं है नेतृत्व होता है, लेकिन कमान उसके लेकिन हाथ में होती है, वो जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा। लेकिन जैसा कि सत्ता के गलियारों में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में लड़ा जाएगा, वो ठीक है, और क्या नाम है, और उसमें मंत्रिमंडल में भी भारी फेरबदल की संभावना बनी हुई है, भारी फेरबदल की संभावना बनी हुई है, लेकिन संगठन ने अगर ढंग से काम किया होता तो स्थिति और अच्छी होती। विवेक जी आपके पास आता हूँ, मेरा नाम हिमांशु है, राहुल नहीं है जी, हिमांशु सॉरी जी जी, रखिए अपनी बात, संगठन की भी जिम्मेदारी बनती है। विवेक जी बताइए, हिमांशु जी देखिए बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ, हाँ, मैं जरा मुझे समय दीजिएगा जी, बताइए। मैं दो तीन चीजों पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। पहली बात की जो मैं पत्रकार महोदय को सुन रहा था, जिस तरह से इन्होंने वाहवाही कराई, तो मैं कुछ बातें इसमें जोड़ देता हूँ। पहली बात की बिकरू कांड के पहले एसटीएफ ने 25 माफियाओं की लिस्ट बनाई थी जिसमें विकास दुबे का नाम नहीं था, और जबकि उसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे थे, ठीक है, और कानपुर घटना के बाद 33 माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई यूपी पुलिस के द्वारा, जिसमें कि मुझे लगता है कि मात्र एक मुन्ना बजरंगी और एक दूसरा हत्याकांड अभी आपके सामने है, उसके अलावा ये 31 माफिया क्या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं? पहली बात। दूसरी बात पे आ जाइए, अभी इन्होंने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने पिताजी के देहावसान होने के बाद भी पूरी कुशलता से केवल प्रदेश का नेतृत्व किया, इसको आप बढ़ाई में मत लीजिए। पहली बात, योगी आदित्यनाथ जी महंत हैं, नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं, और नाथ संप्रदाय में प्रवेश करने के पहले ये वहां का नियम है, सांस्कृतिक और पारंपरिक नियम है, शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार आदमी अपना पिंडदान अपने भौतिक जीवन का त्याग कर करके उस धर्म के अंदर, उस परिवार के अंदर स्थापित करता है। मेरी बात पूरी हो जाए, टोकिए मत मेरी बात पूरी हो जाए, ठीक है, तो आप इसको इसका राजनीतिकरण ना करिए, ये एक धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, उसके बाद वो भौतिक जीवन से कोई संबद्ध नहीं रह जाते, तो इस चीज को आप राजनीतिकरण करके वाहवाही मत लूटिए। तीसरी बात पे आइए, आपने क्या कहा, अपराध कम हुए, उत्तर प्रदेश में भाजपा केवल उन लोगों पे कार्रवाई करती है जो भाजपा के पदाधिकारी नहीं है, जो भाजपा के पदाधिकारी संगठित रूप से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खुद अवैध कब्जे करके बैठे हैं, उनके ऊपर भाजपा की एंटी भूमाफिया टीम तो कभी काम नहीं करती। इतना बड़ा भ्रष्टाचार सतीश द्विवेदी का सामने आया, कौन सी कार्रवाई कर दी? सेंगर प्रकरण में सीबीआई ने 2 IAS 3 IPS के ऊपर संस्तुति की कार्रवाई की, सारे पदस्थ है। आपके बिकरू कांड में आपके इतने बड़े अधिकारी का नाम आया, आज भी पदस्थ है। तो आप ये मत बताइए कि उत्तर प्रदेश बड़ी सुशासन पे चल रहा है, आप ये बताइए कि ये कार्रवाई उस पे करते हैं जिनसे राजनीतिक हानि होने की अपेक्षा है। आपने क्या कहा, भाजपा में बहुत अच्छा इन्होंने संभाला, मैं आपके सामने एक प्रकरण रखता हूँ और पहले भी रख चुका हूँ, आजमगढ़ का, मेनगर का, बछवल गांव का, जिसमें कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने अपने मुंबई से लौटे भाइयों की संपत्ति 40 साल बाद लौटे तो पूरी संपत्ति हड़प करके बैठे हैं, उस दंपत्ति ने वीडियो बना करके बकायदा योगी जी से निवेदन किया, पत्र लिखे शासन को, तब आपको सुनाई नहीं दिया, और आजमगढ़ के पूरे भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं सबके संज्ञान में मामला है। वो दंपत्ति केवल इस वजह से वहां पे अपनी संपत्ति हासिल नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पे इनके ही पार्टी के एक पदाधिकारी का स्वार्थ निहित है। तो कौन सी आप बात करते हैं, कौन सी आप बैठ करके सुशासन की यहाँ पे दुहाई दे रहे हैं? ठीक है केसी जैन जी, कौन से शासन की बात करते हैं, कौन सा सुशासन चल रहा है प्रदेश के अंदर, जवाब दीजिए। पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते जब उनके अवैध भ्रष्टाचार सामने आते हैं, विवेक जी की बात, और ये कार्रवाई मैं तो दे रहा हूँ आपको जिम्मेदारी से, एक दो प्रश्न उनके दोहरा दीजिए, मैं जवाब दे दूं। ठीक है विवेक जी, ये पूछ रहे हैं कि आप अपने ही लोग जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो, क्राइम में लिप्त हो, उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, विपक्ष का कोई मिल जाता है तो भरपूर कार्रवाई करते हैं। हमने कार्रवाई, हम सरकार चला रहे हैं, चलिए हम तो हमारे ऊपर तो आरोप लग रहे हैं ना, आप तो पारदर्शिता वाली सरकार लेकर के आए थे सुशासन के नाम में। ये सवाल केसी जैन से ही पूछ रहा हूँ विवेक जी, ठीक है केसी जैन जी जवाब दे रहे हैं जी। देखिए 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 हिमांशु जी, विवेक जी ने अगर सवाल किया है तो जाति विशेष को और संप्रदाय विशेष को संरक्षण देने का काम पिछली सरकारों ने किया, इस सरकार ने अगर 125 के आसपास जो इनकाउंटर हुए उसका भी डाटा पेश किया और सरकारों ने उसको पेश किया, उसमें कितने कि आप जाति विशेष के लोगों का इनकाउंटर करवा रहे हैं, डाटा के सामने रखा
कि किस वर्ग के कौन से कितने अपराधी थे। तो देखिए हर चीज में जाति और धर्म को लाना अच्छी बात नहीं है, अपराधी के कोई जाति और धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। और उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला आपको अच्छी तरीके से याद होगा, शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई कौन सी हो गई, गलत कार्य करता है, शिक्षा मंत्री पर कौन सी कार्रवाई हो गई, मुझे जरा बताइए। फिर अभी यही विवेक जी तो पूछ रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री पर कौन सी कार्रवाई कर दी आपने, उनका भी तो मामला निकलकर सामने आ गया। जमीन वाला कौन सा अपराध कर दिया उन्होंने, जमीन का मामला भ्रष्टाचार का निकलकर सामने नहीं आया, नहीं तो उसकी जांच चल रही है उस पे, जिन लोगों की जमीन है अपनों पर जांच, और मामला है तो बाकियों पर सीधा फैसला। कोई कहीं पे कोई किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी की संपत्ति नहीं गिराई जाएगी, लेकिन उनकी संपत्ति जिनको भाजपा को जिससे राजनीतिक हानि की संभावना है उस पे कार्रवाई करेंगे। जानकारी इनके पदाधिकारी जो कब्जा करके बैठे हैं उन पे एंटी भूमाफिया टीम कभी नहीं जाएगी उनके लिए, क्योंकि पंचम तल से निर्देश आता है किस पे कार्रवाई करनी है किस पे नहीं करनी है। बाहर किया था, उनके ऊपर मुकदमा चलाया था, उनको जेल भेजा था नहीं भेजा था, उनके ऊपर कार्रवाई किसने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पे तो कार्रवाई की। नहीं नहीं नहीं, शुरुआती संरक्षण की बात कौन करेगा, शुरुआती संरक्षण की बात कौन करेगा सेंगर जी की, अगर आप बात कर रहे हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, शुरुआती संरक्षण तो आपने ही दिया, आपने पार्टी से टिकट दिया जीत कर आए, और फिर आप कह रहे हैं कि हमने उनको जेल करवा दी। किसी भी व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है, वो चाहे जो है सत्ता पक्ष के विधायकों से ही क्यों ना लड़ रहा हो। अच्छा आपके नहीं मुझे बताइए, जब आपके विधायक सवाल पूछते हैं कि हमको बात नहीं करने दी जाती है, या फिर हम जो काम करना चाहते हैं हमको नहीं करने दिया जाता है, तो नोटिस उनको ही जारी क्यों हो जाती है, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन दूसरी बात ये है पार्टी विधायक विधायक किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, सबसे पहले आम जनता के लिए जिम्मेदार होते हैं, और अगर उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई है तो पार्टी उनसे ही सवाल पूछ लेगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है ना, आप बात को पलट देते हैं, आप जो है यहाँ पे अदालत नहीं चल रही है, लेकिन आप जो है अधिवक्ता है तो आप बात को पलटना बखूबी जानते हैं, लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि जी मैं आपको बताऊँ। हाँ बताइए, अभी आपने जिम्मेदारी से कहा आपके ही पदाधिकारी ने भी कहा, मेरी अपनी व्यक्तिगत जमीन कब्जा करके आपके पदाधिकारी बैठे हैं, और आपके आजमगढ़ के सारे जितने भाजपा के पदाधिकारी हैं सबके संरक्षण में है वो। उन्होंने सवाल उठाया, एक एक करके विवेक जी आता हूँ आपके पास। कोरोना काल में, तो अगर कोरोना काल में इतनी विकट परिस्थितियों में भी सरकार पे सवाल या मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने का काम एक मंत्री एक विधायक कर सकता है, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सवाल उनसे ही उल्टा पूछ लिया जाएगा। इसी सरकार के सुन लीजिए, इसी सरकार में जब पिछली बार कोरोना काल की लहर आई, उस समय सारे विधायकों ने अपनी अपनी विधायक विधि जो है वो कोविड से लड़ने के लिए, सैनिटाइजर के लिए, मास्क के लिए, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लिए अपनी अपनी विधायक विधि को अपने अपने क्षेत्र में डोनेट करने का काम किया, लेकिन यही विपक्ष बड़ा एहसान किया। ये प्रदेश आपके एहसान का हमेशा ऋणी रहेगा। और कुछ कहूं मैं, तारीफों के फूल बांधूं, ये जो विधायक निधि का आप जिक्र कर रहे हैं वो किसके पैसे हैं जरा मुझे बताइएगा, और दे दिया तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। और मुझे एक चीज और बता दीजिए, इस प्रदेश के अंदर इस प्रदेश के अंदर लोग मरते रहे, कौन से विधायक ने खाना छोड़ दिया, कौन से विधायक ने पानी पीना छोड़ दिया, किसी ने नहीं छोड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ अगर काम करते रहे तो सिर्फ उनका ये काम नहीं था, पूरी सरकार का ये काम था। सवाल विपक्ष से, वो जनता का पैसा, जो जनता का पैसा था, उस विधायक निधि का उपयोग विधायकों ने कोविड काल में महामारी से लड़ने के लिए किया, वो तत्काल सबसे ज्यादा आवश्यकता उसी बात की थी। लेकिन जो विपक्ष के हमारे जो विधायक है, भले ही 45-50 है, लेकिन उन्होंने उसमें क्यों सहयोग नहीं किया, उनको वो भी तो उसमें सहयोग कर सकते। अरे आपका सहयोग ज्यादा इम्पोर्टेंट था ना, सरकार तो आप चला रहे थे ना, विपक्ष नाकारा है तो आप भी नाकारा हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वही बता रहा हूँ हिमांशु जी। देखिए, सबसे बड़ा टेस्ट, सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। हम सरकार में है, हम सरकार का गुणगान करेंगे, हम मान सकते हैं ये बात। विवेक जी बैठे, विवेक जी इसकी आलोचना करेंगे, हम मान सकते हैं, अभिषेक जी आलोचना करेंगे, लेकिन जब जनता के बीच में जाएंगे, अभी 6-7 महीने बाद ही चुनाव है, तो जब जनता के बीच में जाएंगे
तो जनता तय करेगी नहीं, कि चुनाव के मुद्दे नहीं, नहीं नहीं चुनाव में हवा बहती है, चुनाव का कोई मुद्दा नहीं होता, चुनाव में सिर्फ झूठ परोसा जाता है, जितना जो झूठ बोल रहता है वही सत्ता में बैठ जाता है। मैं चुनाव में जो कुछ भी बोला जाता है एक एक तरफ से झूठ बोला जाता है और हर कोई झूठ बोलता है, मैं चुनाव का जिक्र ही नहीं कर रहा। बहुत समझदार है जनता, बहुत समझदार है, जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। नहीं, जनता के जनादेश का सम्मान है वो सब झूठ बोल करके है। आप सत्ता में आ जाते हैं, जीत का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत बेहतर काम कर लिया। नहीं नहीं, वो तो जनता देखेगी। ठीक है अभिषेक जी, अगर हमने कर्ज माफी की घोषणा की, हमने 36,000 करोड़ रूपए कर्ज माफ किया, हाँ ठीक है, और अगर बिजली कर्ज माफ करते फिर बताते हैं कर्ज माफ कोई दवा नहीं है, आप पहले कर्ज माफ करते फिर कहते हैं कर्ज माफ कोई दवा नहीं है, और कितने किसान आपके प्रदेश में खुशहाल हो गए इस बात का जिक्र आज तक नहीं किया गया, और कितने परसेंट लोग एमएसपी का लाभ पाते हैं इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया, क्या बात करते हैं सर। ठीक है अभिषेक जी के पास आऊंगा। अभिषेक जी देखिए सवाल यही है कि सरकार ने किस तरह से काम किया, और सरकार का मतलब जो नेतृत्व कर रहा होता है, यानी कि इस प्रदेश का नेतृत्व सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे होते हैं, अगर वो अपने सरकार के जो मंत्री हैं या फिर जो विधायक है उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता के संतुष्टि की बात तो बाद में आती है। देखिए बिल्कुल ठीक आप बात कह रहे हैं, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, जो सरकार का मुखिया होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी। अंततः क्रेडिट, अगर वो क्रेडिट ले सकता है तो उसको क्रिटिसिज्म भी झेलना आना चाहिए। बिल्कुल, जब आपके सरकार के मंत्री कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जब उन्होंने कार्य नहीं किया और विधायक आपके नहीं जनता की, आम जनता की मदद कर पा रहे हैं, अपने क्षेत्र के लोगों की, तो स्वाभाविक सी बात है जो उसका ब्लेम होगा वो सरकार के मुखिया के ऊपर आएगा, मुख्यमंत्री के ऊपर आएगा। जब विधायक कहते हैं कि हमारी सरकार में स्वयं नहीं सुनी जा रही है और हमारे कहने पे थाने में फोन करने पर भी कुछ नहीं होता है, बोलने पर भी कुछ नहीं हो सकता है, तो आप स्थिति खुद ही समझ सकते हैं। और इस पे विपक्ष को बोलना कि विपक्ष ने कुछ नहीं किया, विपक्ष ने तो हमेशा अपनी भूमिका निभाते हुए पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है पिछले 4 वर्षों में 4.5 वर्षों में, और हम तो बोलते आए हैं, और सरकार की जो भी नीतियां रही हैं, जो गलत नीतियां रही हैं, जो जनता के विरोध में रही हैं, हम उसका हमेशा विरोध किया है, मगर सरकार ने उसका दमन किया है। आप बताइए कि अभी जब कोरोना की महामारी चल रही थी, उन्होंने कहा कि 2 से 80 की पार्टी बना दी वहां जाके बंगाल में योगी जी ने प्रचार करके, तो हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, पहले उनका जो दायित्व बनता था वो प्रदेश की जनता के प्रति बनता था, उत्तर प्रदेश की जनता के, जहां के वो मुख्यमंत्री हैं वहां की जनता के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले इसका जवाब दें। 2 से 80 वहां पहुंचा दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। और कोरोना महामारी जब दोबारा दस्तक दे रही थी सेकेंड वेव, तब भी चुनाव को प्राथमिकता देते हुए चुनाव कराए गए, कितने टीचरों ने अपनी जान गंवाई जिसको छुपाया गया, बाद में सारी चीजें उजागर हुई, सरकार ने मानने से इनकार कर दिया शुरू में उस बात को, कितने पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई करी गई जिन्होंने इसको आवाज उठाई इसके खिलाफ। तो देखिए सरकार का जो चेहरा है वो प्रदेश की जनता ने देखा है, आम लोगों ने अपने प्रियजनों को खोते हुए देखा है, जाते हुए देखा है, और लोगों ने गुहार लगाई, सीएमओ वहां धमकी देते हैं, इसी प्रदेश सरकार के सीएमओ धमकी देते हैं कि जेल में बंद करा देंगे अगर इंजेक्शन मांगने आओगे, तो तमाम ऐसे तथ्य और सबूत हैं जो जनता के सामने आए हैं, जो भाजपा के नेता भी जानते हैं, सबने देखे हैं, और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। ट्रांसफर पोस्टिंग कर देने से, ट्रांसफर कर देने से कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ कम हो जाएगा, 67% ज्यादा वुमन एट्रोसिटी के मुकदमे बढ़े हैं, वुमन एट्रोसिटी के जो इंसिडेंट है वो बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से, इसके बारे में कौन बोलेगा। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, फिसड्डी एकदम प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश का, जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें उत्तर प्रदेश का, इसके बारे में जवाब दीजिए, बताइए कि ऐसा क्यों है। अगर सब कुछ सही है आपके हिसाब से, रामराज आ गया है, सब खुशहाल है, सत्ता पक्ष अपनी बात रख रहा है, विपक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन हम आम जनता की बात हमेशा करते हैं, करते रहेंगे, तो ऐसे में आम जनता का जिक्र होना बहुत बहुत जरूरी है। पंकज जी, केसी जैन जी, विवेक जी, अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है, आज बर्थडे है उनका, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो लंबी आयु प्राप्त करें और यूं ही काम करते रहें। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मंच के माध्यम से हम जरूर कहना चाहते हैं कि जो भी जिक्र किया जा रहा है वो प्रदेश के भले के लिए किया जा रहा है, यहाँ पर कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, हर कोई चाहता है कि ये प्रदेश आगे बढ़े और देश आगे बढ़े, तो ऐसे में जरूरी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ काम जिस लगन के साथ में कर रहे हैं वो करते रहें, साथ में ही जो मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जो अन्य लोगों से काम नहीं लिया जा रहा है उस पर भी ध्यान दिया जाए और उनसे भी काम लिया जाए, ताकि ये प्रदेश और भी तेज गति से आगे चल सके। इसी उम्मीद के साथ कि आगे की व्यवस्थाएं और भी दुरुस्त होंगी, हर कोई अपने हाथ में कमान लेकर अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालेगा और ये प्रदेश आगे जाएगा। नमस्कार। हर
मिश्रा जी के बीच में तो ठनी रहती है हमेशा।